राजस्थान में जानलेवा मई। शुरुआती 10 दिन में 1500 से ज्यादा लोगों को कोरोना ने छीना, 2.25 लाख लोग संक्रमित। केंद्र सरकार ने राज्य का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाया। राजस्थान में कोरोना भयावह होता जा रहा है। यहां अब संक्रमित केसों के साथ साथ अब लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मई के शुरुआती 10 दिन में राज्य में 1.75 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1586 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सोमवार से प्रदेश में सख्त लॉकडाउन लगाया है। बढ़ते संक्रमण और अस्पतालों में कम होते संसाधनों के बीच आज राहत की खबर भी आई है। केंद्र सरकार ने राज्य में ऑक्सीजन कोटा और ना बढ़ाया बल्कि 125 वेंटिलेटर की खेप भी भेजी है। ऑक्सीजन को लेकर प्रदेश में मच रहे हाहाकार के बीच ये खबर अब राहत देने वाली है। केंद्र सरकार ने आज राज्य को दी जाने वाली ऑक्सीजन के कोटे में बढ़ोतरी की है। राज्य को अब सूरत के हजीरा स्थित ऑक्सीजन प्लांट से 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और मिलना शुरू हो गया है। इस तरह से अब केंद्र सरकार की ओर से राज्य को 310 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी जा रही है, जबकि 125 मीट्रिक टन का राज्य में अलग अलग एजेंसी की ओर से उत्पादन किया जा रहा है। 13 महीने में जितने संक्रमित हुए उससे ज्यादा 40 दिन में हुए। राज्य की स्थिति को देखें तो पिछले साल से लेकर अब तक 7,73,194 लोग अब तक इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5,825 लोग इससे जान खो चुके हैं। अप्रैल में आई दूसरी लहर में कितनी घातक साबित हुई है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में बीते 40 दिन में ही जितने लोग संक्रमित हुए उनकी संख्या बीते 13 महीने में मिले संक्रमितों की संख्या से कहीं ज्यादा है। 1 अप्रैल से लेकर 10 मई तक कुल 4.40 लाख लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, जबकि 3,007 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 7 दिन का राज्य की कोरोना रिपोर्ट। 4 मई 16,974 पॉजिटिव, 154 केस मौत, 14,146 रिकवर। 5 मई 16,815 पॉजिटिव केस, 155 मौत, 17,022 रिकवर। 6 मई 17,532 पॉजिटिव केस, 161 मौत, 16,044 रिकवर। 7 मई 18,231 पॉजिटिव केस, 164 मौत, 16,930 रिकवर। 8 मई 17,987 पॉजिटिव केस, 160 मौत, 17,667 रिकवर। 9 मई 17,921 पॉजिटिव केस, 159 मौत, 16,880 रिकवर। 10 मई 16,487 पॉजिटिव केस, 160 मौत, 13,499 रिकवर केस। जोधपुर में हर दूसरा सैंपल पॉजिटिव। जोधपुर में कल कोरोना ने 1915 नए लोगों को संक्रमित किया और 20 लोगों की जान गई। मई में जोधपुर शहर में आई कोरोना की सुनामी अब भारी पड़ने लगी है। मई के पहले 10 दिन में 318 संक्रमित अपनी जान गंवा चुके हैं। जोधपुर में आज सिर्फ 3,857 सैंपलों की जांच की गई, इसमें से करीब आधे सैंपल कोरोना पॉजिटिव है। इस तरह संक्रमण की दर अब सर्वाधिक 49.64% हो गई है। जांच कराने वाला प्रत्येक दूसरा व्यक्ति पॉजिटिव है। मई में रोजाना औसतन 31 से ज्यादा लोग दम तोड़ रहे हैं। संक्रमितों की बढ़ती मृत्यु दर से लोगों को डर का माहौल बन चुका है। इसका असर शहर में लागू लॉकडाउन में साफ दिख रहा है। अब लोग पहले की अपेक्षा बेवजह घरों से बाहर कम निकल।